हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने ये डिक्टेशन संपादकीय लेख से तैयार की है और यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि डिक्टेशन लिखने के बाद आउटलाइन को सही ढंग से पढ़ें और जो नए शब्द हैं उनके लिए सही ढंग से शब्दचिह्न और वाक्यांशों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी। यस, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर लाना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में दर्ज करने का मतलब है कि इस संक्रमण से खतरे का स्तर बढ़ गया है। यह अच्छा है कि इस खतरे को और न बढ़ने देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि सरकार की सफलता बहुत कुछ लोगों की सतर्कता पर निर्भर करेगी। इस वायरस से उपजी खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जो भी उपाय किए जा रहे हैं वे कारगर साबित हों, इसकी चिंता आम जनता को भी करनी होगी। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि इस वायरस से संक्रमित कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने न्यूनतम सावधानी बरतने से इनकार किया। कुछ बिना उपचार से इधर उधर घूमते रहे और कुछ अस्पतालों से भाग गए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने से संकोच नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं और साथ ही साथ संकट बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इस सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों के सामने यह कहना चाहता हूं कि जब इस वायरस का संक्रमण सबसे बड़ा संकट बन गया है, तब किसी भी तरह की लापरवाही माफी योग्य नहीं कही जाएगी। इस वायरस के संक्रमण के मामले में
हमारा देश अभी दूसरे चरण में है। इसका अर्थ है कि इस वायरस से संक्रमित होकर बाहर से देश में आए व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने वाले ही इससे ग्रस्त हो रहे हैं। यदि इन सभी को अलग थलग कर इनका उपचार किया जाए तो इस वायरस को तीसरे चरण में जाने से रोका जा सकता है। आखिर मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता ने पार्टी बदलकर भाजपा का दामन थाम ही लिया। उनके इस कदम से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। काफी समय पहले से यह लग रहा था कि वे अपनी सरकार और कांग्रेस नेतृत्व के व्यवहार से नाराज हैं, लेकिन इसके आसार कम थे कि वह अपने समर्थकों के साथ मिलकर कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में चले जाएंगे। शायद भाजपा में शामिल होने का फैसला उन्होंने तब लिया जब यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस की ओर से उन्हें कोई पद नहीं दिया जा रहा है। भाजपा में शामिल होते ही वह राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। हालांकि चुनाव पूर्व वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे कर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने इस चुनाव में पूरा जोर लगाया और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे आने पर कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। शायद कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठता और अनुभव को प्राथमिकता देते हुए अपनी पार्टी के दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा। कांग्रेस पार्टी के इस नेता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय राजनीति का एक काला सत्य यह भी है कि
विधायक हूं या सांसद या नेता हूं, ये मौका मिलते ही अपनी विचारधारा को एक ही झटके में त्याग कर विरोधी दल में शामिल हो जाते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई सरकार अपने नेताओं की बगावत के कारण अस्थिर हुई हो। शायद यह सिलसिला थमने वाला भी नहीं है, फिर भी इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या नेता बिना किसी पद के जनसेवा नहीं कर सकते। स्टॉप। ये डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई है। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि डिक्टेशन की जो आउटलाइन आप लोगों ने लिखी है उसको पढ़े, और जो कठिन शब्द हैं इनके वाक्यांश बनाइए, इनके शब्दचिन्ह बनाइए और वाक्यों के वाक्यांश बनाइए। शब्दचिन्ह बनाने के बाद उनका अभ्यास कीजिए। अगर कहीं और किसी स्तर पर आपको मेरी आवश्यकता है, मेरी सलाह की आवश्यकता है, मेरे सुझाव की आवश्यकता है, तो मेरे फोन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या ईमेल कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और डिक्टेशन लिखने के बाद पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।